हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लुमिस मेथड की हेल्प से पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं। और लुमिस मेथड पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने लुमिस मेथड्स के बेसिक्स बताए हैं। एंड मैंने वहाँ पर पूछा था कि अगर आपको लुमिस मेथड पर और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो कुछ लोगों ने कमेंट करा था, तो मैंने सोचा कि इस पर और वीडियो बनाया जाए। तो गाइज, हम लेकर आ गए हैं दूसरी वीडियो लुमिस मेथड पर। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, जो कि दीपिका मैम की होगी। वीडियो पूरी जरूर देखना गाइज, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी टूल्स का यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद गाइस, जो हम लोग साइड से कट करते हैं सर्कल को, तो वो हम लोग रेफरेंस पिक की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ हम लोग जो हमारा रेफरेंस पिक है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। एंड आप इनके जो ईयर्स की पोजिशन है वो देख सकते हो, और समझ सकते हो कि इनकी जो कट होगी, जो सर्कल में हम लोग कट करेंगे जितना पार्ट, तो वो कितना करेंगे वो ईयर्स की पोजिशन देख के समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने किस डायरेक्शन पर कट कराए हैं। एंड इसके बाद हम लोग रेफरेंस पिक को देखकर फेस की जो सेंटर लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसके बाद हम लोग लाइन को मिला देंगे सेंटर लाइन से। तो कुछ ऐसे ही आपको लुमिस मेथड की हेल्प से फेस को एस्टिमेट कर लेनी है। तो गाइज, अब हम लोग रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और आई ड्रॉ करेंगे। एंड गाइज, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आईज, नोज एंड लिप्स जो होते हैं, तो ये फेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ये आपको सही से ड्रॉ करना है। तो ये तीन चीज ड्रॉ करते वक्त आपको काफी पेशेंस रखनी होती है। तो जितना टाइम आप दोगे उतनी आपकी ड्रॉइंग जो है वो सही बनेगी। एंड इसके बाद अगर आप कोई बॉडी के पार्ट ड्रॉ करते हो तो उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए आपका। आप जैसा भी ड्रॉ करो, आपका फेस अगर मैच कर जाता है तो फिर बाकी के पार्ट्स आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे आईज, नोज एंड लिप्स जो है वो गेस करनी है, और उसको एस्टिमेट करके ड्रॉ करनी है। एंड गाइज, जब भी आप लुमिस मेथड ड्रॉ करते हो तो आपसे मिस्टेक्स होंगी, तो आगे जैसे आप ड्राइंग को धीरे धीरे प्रोसीड करोगे, आगे ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, तो आपको धीरे धीरे आपकी मिस्टेक्स जो है वो दिखेंगी, तो आप उसको धीरे धीरे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो गाइज, हमने यहाँ पर फेस को एस्टिमेट करके आईज, नोज, ईयर, लिप्स जो है वो ड्रॉ कर लिया है। तो मुझे नहीं पता वो कितना एक्यूरेट है। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्स्ट्रा लाइंस दिख रहा है वो इरेज कर लेंगे, उसके बाद जो हमारी मिस्टेक्स होंगी वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, अब हमारा जो रेफरेंस पिक है उसको अच्छे से देखना है और ऑब्जर्व करनी है, और उसको अच्छे से एस्टिमेट करके ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करनी है और उसको ड्रॉ करनी है पेपर पर। तो मैं यहाँ पर पूरा एक्यूरेट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं गाइज आउटलाइन कैसा ड्रॉ होता है।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो आउटलाइन है वो काफ़ी सही लग रही है और हमारे पास जो रेफरेंस पिक है उससे काफ़ी मैच कर रहा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको शेडिंग करना और सबसे पहले हम लोग हेयर से स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइज़ मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है ये A5 साइज़ की है, मतलब काफ़ी छोटी है ये। तो मैं ट्राई करूँगा आपकी A4 साइज़ में मैं लूमिस मेथड की हेल्प से ड्राइंग बनाऊँ और थोड़ा और अच्छे से आपको समझाऊँ मैं लूमिस मेथड को। सो गाइज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। एंड ये वाला आर्ट वर्क भी मैंने जो है इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर सकते हो। एंड मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। सो गाइज़ मुझे जितना भी फेस पर छोटे छोटे डिटेलिंग दिख रही है रेफरेंस पिक में उसे मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो मैंने स्पेशली लूमिस मेथड पर बनाई थी, तो अगर आपको शेडिंग वाले वीडियोस देखने हैं तो उस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर ले मेरे चैनल को तो आपको वो वीडियोस सारे मिल जाएंगे। या फिर जल्द ही मैं कुछ प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कैटेगराइज प्लेलिस्ट होंगी और शेडिंग के लिए अलग वीडियोज़ होंगी और आउटलाइन के लिए अलग वीडियोस होंगी, तो इस टाइप का मैं कुछ प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी वीडियोस सर्च करने में।
सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।